हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसमें काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो उसका शेयर का नाम है कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये अपना ऑल टाइम हाई डेली बेसिस पर मैंने देखा है, तो आज इसने वापस से लगाया, अपना प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक करा। और यहाँ पे हम देखेंगे इसके स्विंग किस तरीके से बनते हैं बार बार इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या ना, इसका ये नॉर्मली चलेगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस एक ब्रेकआउट देगा, फिर चलेगा, फिर इस तरीके से। ये मतलब आप देखो, प्रीवियस जैसे हाई ब्रेक करता है एक नया हाई बनाता है, फिर वापस उसको रिटेस्ट करता है, फिर वापस धीरे धीरे करते करते एक रेंज बनाता है। अब वापस क्या कराना है इसने, ये जो लेवल था मतलब यहाँ पे इस जगह के आसपास का, यहाँ से इसने वापस से एक ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली अभी, और आज वापस क्या कराना है इसने, ये जो हाई लगाया था अभी यहाँ पर कुछ टाइम पहले, ठीक है, मतलब डेली बेसिस पे अगर देखा था 4-5 दिन पहले, इस वाले हाई को यहाँ पे जो अमाउंट है 896 के आसपास का लेवल है यहाँ पे, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे निकल के आज इसने वापस से एक अच्छी क्लोजिंग दी है यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे पहले एक अच्छी वॉल्यूम थी यहाँ पे, जब इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुई थी, फिर 3-4 दिन 5 दिन नॉर्मल वॉल्यूम यहाँ पे आई है। यहाँ पे इसमें जब गिरा तब भी वॉल्यूम बहुत कम थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था ज़्यादा वॉल्यूम थी, पर क्या होता है ना, वापस से रिटेस्ट करा उसको यहाँ पे धीरे करते करते एक बेस बनाया, और आज एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे देखोगे तो वापस से उसने जो लेवल था उसको ब्रेक करा और अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया है। अब इसमें 7.5-8% का मोमेंटम आज इंटर डे में दिया, मतलब सेम डे में दिया है, तो हो सकता है देखो अगर यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ब्रेक भी लगाता है यहाँ पे, ये तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स वापस से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और या फिर अगर गैप अप हो गया, मान लो 2-3% का गैप अप हो गया सीधा, तो हल्की फुल्की वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पर 896 का लेवल है यहाँ पे, इस लेवल पे ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी इसके आसपास आएगा यहाँ पे, जब भी 900 के आसपास है और 896 के आसपास कभी भी आएगा यहाँ पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग एक्टिवेट होने की कोशिश होगी, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं ये पहले भी अच्छी वॉल्यूम जनरेट हुई है यहाँ पे, फिर धीरे करते करते एक नॉर्मल वॉल्यूम रही, मतलब सेलिंग की जो वॉल्यूम थी वो बहुत नॉर्मल थी यहाँ पे, आज वापस अच्छी वॉल्यूम जनरेट हुई है यहाँ पे, तो वो वॉल्यूम यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि मतलब कोई बाइंग के लिए आ रहा है बड़ी वॉल्यूम, मतलब क्या होता है कि कोई बड़ी वॉल्यूम आ रही, मतलब बायर्स आ रहे हैं हेवी क्वांटिटी के साथ में, या फिर मतलब रेगुलर बेसिस पर उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वीकली पे अगर हम देखें तो वीकली पे देखो हायर हाई बना रहा है, अच्छे पैटर्न बना रहा है देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, इसको नोटिस में रखना है शेयर को यहाँ पे। कल अगर ये वापस से ये इसका आज का हाई क्या था, 915 का, कि कोई एक रेंज बनाता है मान लो, और उसके बाद 915 का लेवल जैसे ब्रेक करता ही है, तो फिर अच्छा खासा एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कल मैंने एक बालू फोर्ज के नाम से एक शेयर के बारे में डिस्कस करा था, उसको हम देख लेते हैं। देखो बालू फोर्ज में क्या हुआ ना, यहाँ पे जैसे डेली टाइम फ्रेम पे ये जैसे इसने लेवल को ब्रेक करा यहाँ पे, है ना, ओपन कहाँ हुआ था, ये प्रीवियस हाई क्या था 546 का ओपन था, ये हुआ यहाँ पे ये 545 के आसपास, बिल्कुल उसके 1 रुपये आसपास के थोड़ा नीचे से, उसने हल्का फुल्का इस रेंज में यहाँ पे रुका, जैसे उस लेवल को ब्रेक करा उसने एक अच्छा खासा अप मूव दिया और 8% का आज अच्छा खासा मोमेंटम दिया, और 592 तक का अच्छा लेवल यहाँ पे इसने दिन भर में टच करा। अब कल भी देखो इसमें यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम थी और साथ में एक वॉल्यूम यहाँ पे वापस से बनी है इसमें, तो यही चीज़ यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है कैफिन टेक्नोलॉजी में। मतलब हर शेयर की देखो वॉल्यूम अलग होती है, पर कैफिन के हिसाब से यहाँ पे इसकी वॉल्यूम अच्छी दिख रही है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। नोटिस में देखना इसको यहाँ पे, इसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बस चार्ट पे लगा मुझे यहाँ पे इसके हिसाब से, वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।